कॉर्पोरेशन की अदम तवज्जा और लापरवाही के बाइस खस्ताहाली का शिकार। नकासी आब न होने की वजह से सीवरेज का गंदा पानी रोड पर जमा होने की वजह से रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो गया। ट्रैफिक हजरात और पैदल राहगीरों को भी गुजरने में दुश्वारी का सामना। रोड पर वाकया मस्जिद में नमाजियों पर जाना भी मुश्किल हो गया। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं सियालकोट से नुमाइंदा ग्रेट न्यूज उमर भट्ट। जी उमर भट्ट, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। सियालकोट की मसरूफ शाहरा नोल मोड़ ता रोडस रोड म्यूनसिपल कारपोरेशन की नाकस कारकर्दगी के बायस हस्ता हाली का शिकार हो गई। नकासी आब का सिस्टम ना होने की वजह से नालियों और गटरों का पानी सड़क पर जमा होने से रोड की हालत तबाह होकर रह गई, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी भी रुकावटें पैदा होने लगीं। इसके साथ पैदल चलने वाले राहगीरों को भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। बदबूदार पानी जमा होने से इलाके में ताफुन फैलने से मोहलिक बीमारियां भी जन्म लेने लगी। नोल मोड़ रोड पर जामिया मस्जिद भी मौजूद है, जहां नमाजियों के लिए जाना भी मुश्किल हो चुका। नमाजी हजरात का कहना है रोड पर सीवरेज का गंदा पानी जमा होने की वजह से कपड़े नापाक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम नमाज भी अदा करने नहीं जा सकते। दूसरी तरफ ड्राइवर हजरात का कहना है रोड हस्ता हाली होने की वजह से हमारी लाखों की गाड़ियां भी तबाह हो रही हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, डीपीओ सियालकोट और वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से पुरजोर मुतालबा करते हुए कहा है कि फिलफौर सिविल सिस्टम को बहाल करके रोड की तमीर और मरम्मत का काम शुरू करवाया जाए। कैमरा टीम के साथ उमर भट्ट, ग्रेट न्यूज़ सियालकोट।